एकादशी के व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त जिससे प्राणी हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम एकादशी के व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त जिससे प्राणी हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। हर एक वर्ष में भक्तों मास तो बारह आते हैं, चौबीस एकादशियां जिनके नाम बताते हैं। चैत मास में कामदा एकादशी पहले आए, जिसके व्रत से मुक्ति राक्षस योनि से मिल जाए। पाप मोचनी एकादशी फिर दूसरी आती है, सब पापों और संकट से जो मुक्ति दिलाती है। आती है वैशाख में ग्यारह स्वरूपिणी और मोहनी, सुख समृद्धि देने वाली होती दोनों ही। करते हैं जो व्रत पाप से मुक्ति पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त जिससे प्राणी हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। में अपरा एकादशी पहले आए, खुशियां बड़ी अपारी तो भक्तों के लिए लाए। दूजी निर्जला एकादश भक्तों कहलाती है, निर्जल व्रत जो करते मनोरथ पूर्ण कर जाती है। अषाढ़ मास की पहली एकादशी योगिनी कहलाए, सारे ही परिवार में जो खुशियां लेकर आए। देव शैनी एकादश दूजी कहलाती है, मन के सभी उपद्रों को वो शांत कर जाती है। खुद विष्णु भगवान जिससे प्रसन्न हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त जिससे प्राणी हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। पहली एकादशी कामिका कहलाती, कुयोनी से मुक्ति जो भक्तों को दिलवाती। पुत्र दय एकादशी होता इस मास में दूजा नाम, जिसका व्रत करने से हमेशा खुशी रहे संतान। भादो मास की पहली एकादशी आजा कहलाए, जो संतान को सब कष्टों से मुक्ति दिलवाए। परिवर्तन एकादशी होता भक्तों दूजा नाम, मुक्ति मिलती पापों से और दुखों दूर तमाम।
माता के भक्त कभी नजदीक न आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त जिससे प्राणी हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। एकादशी तो अश्विन मास में आती है, अधोगति से जो पितरों को मुक्ति दिलाती है। पापांकुश एकादशी इसकी दूजी कहलाए, कर पापों से मुक्त अपार धन और समृद्धि लाए। कार्तिक मास में रमा एकादशी होती है पहली, सुख ऐश्वर्य मिलते हैं जिसके करने से ही। देव उठानी एकादशी ये कहलाती है, तुलसी विष्णु की पूजा किस दिन की जाती है। शालीग्राम और तुलसी जी का विवाह कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त जिससे प्राणी हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। शटिलता मास माघ की पहली एकादशी कहलाए, हजार वाज पे यज्ञ समान जो फल दे कर जाए। और उत्पन्ना होता दूजी एकादशी का नाम, पितरों को जो करके तृप्त करती है मोक्ष प्रदान। पौष मास में सफला एकादशी पहले आए, अश्वमेघ यज्ञ का जो फल भक्तों को दे जाए। पुत्रदा एकादशी होता इस मास में दूजा नाम, करने से व्रत प्राप्त होती भक्तों को संता। पुत्रों की प्राप्ति का वो तो वर पा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त जिससे प्राणी हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। शटिलता माघ मास की पहली एकादशी कहलाए, निर्धनता दुर्भाग्य तो भक्तों की सभी मिटाए। दूजी एकादशी इस मास की जया कहलाती है, ब्रह्मा हत्या के दोष से भी जो मुक्ति दिलाती है। फागुन मास की एकादशी को विजया कहते हैं, शत्रु आस पास भी ना भक्तों के रहते हैं। आमल एकादशी इस मास की दूजी कहलाए, करने से व्रत सब रोगों से मुक्ति मिल जाए। एकादशी के व्रती सदा उत्तम फल पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त जिससे प्राणी हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी।
कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। हर एक तीन बरस में एक अधिक मास आता है, दोनों एकादशियों का उनमें व्रत किया जाता है। पहली एकादशी तो उसकी कमला कहलाए, मनोकामना सब भक्तों की पूर्ण कर जाए। अधिक मास की दूजी एकादशी पद्मा कहलाती, धन वैभव और उत्तम गति भक्तों को मिल जाती। 26 एकादशी नाम जिसके बतलाए हैं, करके व्रत जिनके सबने उत्तम फल पाए हैं। एकादशी की व्रत कथा अब तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त जिससे प्राणी हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। एक बहेलिया विंध्याचल पर्वत पे रहता था, रोज शिकार वो पशु और पक्षियों का करता था। अपने तीर से पशु पक्षियों को मार मार खाए, करता मदिरा पान और वेश्याघर भी जाए। निर्दोष प्राणियों पे ना उसको दया कभी आई, करता उनके मांस का सेवन निस्दिन अन्यायी। एक दिन खुद यमराज बहेलिए के सपने में आए, बोले जीवन हो गया पूरा कल तुमको ले जाए। पाप किए का दंड तुमको देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त जिससे प्राणी हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। अगले ही दिन एकादश फिर भक्तों आई है, एकादशी के व्रत की उसने रीत निभाई है। रस्म और रिवाज से एकादशी का व्रत उसने है किया, सब पापों से मुक्त हो गया फिर वो बहेलिया। फिर यमराज भी उस बहेलिए को लेने आए, सब पापों से मुक्त हुआ उसको वो पाए हैं। परम धाम को फिर उसको लेकर यमराज गए, क्योंकि एकादशी व्रत बहेलिए ने किए। कोई कष्ट न उसको तो यमराज दे पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त जिससे प्राणी हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा।
जिर को भी श्री कृष्ण ने कथा सुनाई थी। एकादशी की व्रत कथा जो जाननी चाही थी। कहते हैं इस व्रत का सबसे मिलता उत्तम फल, एकादशी का व्रत कभी भी होता ना निष्फल। इसके व्रत से प्रसन्न होते खुद विष्णु भगवान, करते हैं जो व्रत करें उन्हें वो मोक्ष प्रदान। एकादशी का व्रत पाप से मुक्ति दिलाता है, परम धाम को व्रती एकादशी कहलाता है। अश्वमेघ यज्ञों का फल भक्त तो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त जिससे प्राणी हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। भक्तों आती है, करते हैं जो व्रत पार नैया लग जाती है। पद्मनाभ भगवान की किस दिन पूजा की जाए, महालक्ष्मी साक्षात भक्तों के घर आए। हंसराज रेलहन पे करना इतनी कृपा भगवन, भूलू ना कभी नाम तुम्हारा करता रहूं मैं सुमिरन। एकादशी की व्रत कथा जो गाए डीएस पाल, मात शारदे कंठ समाओ रखना मेरा ख्याल। फौजी सुरेश भी हरि चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त जिससे प्राणी हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा।